हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वन में। आज मैं बात करूंगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस के विषय में। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के विषय में बताया था कि गैस के कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होते हैं। आज उनका प्रोसेस के विषय में बात करूँगा। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है वो दो तरह का होता है, मतलब रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो नॉन फ्लो प्रोसेस है, इसके विषय में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, इसके विषय में बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसे आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद हाइपरबोलिक प्रोसेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस आता है, जिसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आता है। तो अभी इन सभी के विषय में एक एक करके जानेंगे। अभी इस वीडियो में आप लोगों को दोनों के ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, इसका चार्ट क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, और किस तरह से उसका निरूपण करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, इसके विषय में भी बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी गैस को क्लोज्ड वेसल में रख के हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ता है और उसका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेसल में है, सिलेंडर में है, अंदर में सिलेंडर के अंदर में है। तो इससे क्या होता है, इस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायग्राम हम लोग निकालते हैं, तो ये वर्टिकल जो एक्सिस होता है वो प्रेशर का होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई किए इसमें, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, गैस का प्रेशर बढ़ता है, तो गैस का प्रेशर P1 से बढ़कर P2 हो गया। उसके बाद इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह गया, इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह गया, यानी V1 जो है V2 दोनों इक्वल है, इसलिए ये एक पॉइंट पे है। यहाँ से जब इसका ग्राफ खींचते हैं, डायग्राम खींचते हैं, तो हम लोगों का एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन प्राप्त होता है। अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशन देखते हैं, तो ये जब हीट करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। तो इससे प्रेशर, जब इनिशियल प्रेशर अगर P1 है और फाइनल प्रेशर P2 है, और इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो इस तरह से इसका एक लाइन आता है। तो ये हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम से मिलता है। अब हम लोग प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग बताते हैं। हम लोग जनरल गैस इक्वेशन से क्या जानते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। इसमें हम लोगों क्या वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब दोनों वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो इससे हम लोगों क्या प्रेशर एक रिलेशन मिलता है, जो P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 मिलता है, जो डायरेक्टली P by T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे ये जो रिलेशन हम लोगों को मिला, ये रिलेशन हम लोग को चार्ल्स लॉ से भी मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको गैसाक लॉ से मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको गैलाशाक लॉ भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें क्या होता है, इसका वर्क डन कितना होता है, गैस के द्वारा कितना वर्क डन होता है वो हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं गैस डन का जो इक्वेशन, वर्क डन का जो इक्वेशन होता है वो इतना होता है, जैसे P into change in volume, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सिंस इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, इसलिए वर्क डन जो हुआ वो भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, इसलिए वर्क डन जो हुआ वो भी जीरो होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर।
तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हम लोगों को यही क्वेश्चन होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इतना मिल गया, मास इनटू कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर, तो ये हम लोगों को निकल गया इंटरनल एनर्जी। उसके बाद आते हैं हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र कितना होता है, तो उसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि हीट सप्लाइड इक्वल टू कितना हो गया इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इसमें क्या होता है, वर्क डन जो है वो जीरो होता है, तो हीट सप्लाइड जो हुआ वो डायरेक्टली पूरा का पूरा जो हो गया कंज्यूम हो गया चेंज इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेंज इन एन्थैल्पी क्या होता है, चेंज इन एन्थैल्पी कितना हुआ, इसमें देखिए चेंज इन एन्थैल्पी का इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन एन्थैल्पी एनर्जी चेंज इन एन्थैल्पी जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिलता है, एन्थैल्पी चेंज इन एन्थैल्पी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर और डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर। दोस्तों ये था लोगों का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हम लोग बता रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का।